देश जी ऐसे ही कहते हैं, 2022 के चुनाव में भी ऐसे कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे, 3 सीट में सभी विपक्ष को देते थे। आज सोनिया जी नेतृत्व तो कर रही थी, उन्होंने मैदान छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। पिछले बार सपा और कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई है। आज सपा के बड़े बड़े नेता मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं, अपने विशेष करके भोजपुरी जगत के लिए अपने देश में लोग उनको बहुत ही उनके फॉलोअर्स हैं, और विदेशों में भी वो जहाँ भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं वहाँ पर भी उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं। सर, एक भोजपुरी कलाकार आपके पवन सिंह आपके काफ़ी करीबी भी रहे, आपके मित्र भी हैं, और आज उन्होंने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कैसे देखते हैं इस पार्टी के फैसले को, उन्होंने इनकार किया, क्या ये पार्टी हित के लिए सही है क्या? देखिए, अभी तो हमको ये अधिकृत रूप से नहीं पता है, सोशल मीडिया पर चल रहा है इस बात को लेकर के, ज़रूर कोई बात होगी, पता किया जाएगा। बहुत एक अच्छे कलाकार हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, अपने विशेष करके भोजपुरी जगत के लिए अपने देश में लोग उनको बहुत ही उनके फॉलोअर्स हैं, और विदेशों में भी वो जहाँ भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं वहाँ पर भी उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो ये अभी सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से पता चला, अभी देखिए क्या इसमें हकीकत है। सर, जिस तरह से बीजेपी जो लिस्ट जारी हुई है उसके बाद अखिलेश यादव का बयान है कि बीजेपी अपनी पहली हार मान चुकी है, पहली ही लिस्ट में पहली हार मान चुकी है। देखिए, अखिलेश जी ऐसे ही कहते हैं, 2022 के चुनाव में भी ऐसे कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे, 3 सीट में सभी विपक्ष को देते थे। इस बार के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव नेतृत्व में जो चुनाव होगा, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। देश की आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस, उसके सर्वोच्च नेता सोनिया जी, जिनके परिवार की 3 पीढ़ी रायबरेली में प्रतिनिधित्व किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, चाहे आज सोनिया जी नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने मैदान छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। पिछले बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी अमेठी के साथ साथ केरल से जाकर के चुनाव लड़े और यहाँ से जो है वो पराजित हुए। चुनाव से पहले ही ये जो सपा और कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई है। आज सपा के बड़े बड़े नेता मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं, वो अपने गढ़ को नहीं बचा पा रहे हैं। और इस बार की शुरुआत रायबरेली और मैनपुरी से होगी और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के डर की वजह से सोनिया गांधी ने अपनी सीट छोड़ दी है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अभी तक लोगों ने लहर देखा है, आप लगातार 14 से देखिए, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, लगातार 4 चुनाव एक से बढ़कर के एक जो है सफलता प्राप्त करती रही भारतीय जनता पार्टी। इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी और सुनामी में ईपी की 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।